हेलो फ्रेंड्स, आम का मौसम है, बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं, इसलिए मैं लेके आई हूँ आम से ही बना एक बहुत अच्छी रेसिपी, आम रस। तो इसकी मैं दो वेरिएशंस लेके आई हूँ आपके पास में, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। मैं स्वाति, स्वागत है आपका स्वातीज रास रसोई में। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो आम लिए हैं, आम अपने पसंद का आप कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे मालदा आम ले रही हूँ, आप चाहो तो अल्फांसो ले लो या फिर आप चाहो तो दशहरी ले लो, जो भी आपको पसंद आता है वो आप आम ले लें। तो आम को हम सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे। मैंने एक दशहरी आम भी काट कर इसमें डाल दिया है। तो ये हमारे सारे आम कट गए। अब हम चलते हैं गैस की तरफ आगे के प्रोसेस के लिए। मैंने एक पैन लिया है, उस पैन में हम डाल देंगे ये मैंगो जो हमने काटा है वो, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मिश्री, अब मिश्री की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मिश्री, और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून गुड़। आप चाहो तो सिर्फ चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ मिश्री से भी आप बना सकते हो, या सिर्फ गुड़ से भी। ये सब डालने के बाद हम इसके ढक्कन लगाएंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट इसे पकने देंगे। दस मिनट हो गया है, चलिए हम ढक्कन हटा के देखते हैं। इस तरह से कुछ आपको नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्लेम हम बंद करते हैं। इसे थोड़ा ठंडा करके हम इसका प्योरे बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। तो इसे ब्लेंडिंग जार में या फिर हैंड ब्लेंडर से आप इसे पीस के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने इसे पीस लिया है, अब मैं इसमें मिला रही हूँ पानी। पानी 1 से 1.5 गिलास मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से मिला देंगे। अगर आपको इसे मिलाने में मुश्किल हो रही होगी तो आप इसमें एक बार हैंड ब्लेंडर चलाएं ताकि सब इवनली मिल जाए। नहीं, अगर हैंड ब्लेंडर नहीं है आपके पास तो फिर आप हाथों से इस तरह से करके जितना मिला सकते हैं इसे मिला लें, और एक बार आप फिर इसे छान लें ताकि कोई लम्स हमें ना मिले। तो मैं आपको हैंड ब्लेंडर चला के इसमें दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी लम्स तो लीजिए। हैंड ब्लेंडर में चलाने के बाद मैंने इसे बाउल में ट्रांसफर कर लिया है, ये तो बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे आपको ग्लास में सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए भाई, हमारा आम शरबत या फ्रूटी जो भी बोल लो आप, वो रेडी है। तो लीजिए, रेडी है हमारा आम रस या फ्रूटी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद आता है। ये थोड़ा चटपटा है, पहले जो मैंने आपको बताया वो नॉर्मल सा जो आम रस बनता है वो है, ये थोड़ी सी वेरिएशन है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 से 1, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला,
और हाफ टी स्पून में डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। आप इन सब की क्वांटिटी एक बार टेस्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हम मिला देंगे। तो लीजिए, आमरस की ये दूसरी वैरायटी भी रेडी हो गई है। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।